आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे घरेलू वस्तुओं यानी कि हाउस होल्ड आइटम्स के नाम हिंदी और इंग्लिश में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कूड़ादान, कूड़ादान को इंग्लिश में डस्टबिन बोलेंगे, डस्टबिन। बर्तन को हम इंग्लिश में यूटेंसिल्स बोलते हैं, यूटेंसिल्स। अगरबत्ती को हम इंग्लिश में इंसेंस स्टिक्स बोलते हैं, इंसेंस स्टिक। रुमाल को हम इंग्लिश में हैंडकरचीफ बोलेंगे, हैंडकरचीफ। चटाई को हम इंग्लिश में मैट बोलते हैं, मैट। कुर्सी को हम इंग्लिश में चेयर बोलेंगे, चेयर। आईना को इंग्लिश में मिरर बोला जाता है, मिरर। बाती को हम इंग्लिश में विक बोलते हैं, विक। बाती वो होती है जिससे दिया जलता है, तो उसको हम बाती बोलते हैं, उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं विक। घड़ी को इंग्लिश में क्लॉक बोलते हैं, क्लॉक। दांतों के ब्रश को हम इंग्लिश में टूथ ब्रश बोलते हैं, टूथ ब्रश। दंत मंजन को हम इंग्लिश में टूथ पाउडर बोलते हैं, टूथ पाउडर। नल को हम इंग्लिश में टैप बोलते हैं, टैप, और इसको फोसेट भी बोलते हैं। बाल्टी को हम इंग्लिश में बकेट बोलते हैं, बकेट। सुराही को हम इंग्लिश में जग बोलते हैं, जग। साबुन को हम इंग्लिश में सोप बोलते हैं, सोप। साबुनदानी को हम इंग्लिश में सोप केस बोलते हैं, सोप केस। शौचासन को हम इंग्लिश में टॉयलेट या फिर कमोड बोलते हैं, टॉयलेट या फिर कमोड। झूला कुर्सी को हम इंग्लिश में स्विंग चेयर बोलते हैं, स्विंग चेयर। तौलिया को इंग्लिश में टॉवल बोला जाता है, टॉवल। कच्चा को हम इंग्लिश में अंडरवियर बोलते हैं, अंडरवियर। अलमारी को इंग्लिश में कबाड़ बोला जाता है, इसमें पी साइलेंट होता है, इसको बोलेंगे कबाड़। बोरा को हम इंग्लिश में सैक बोलते हैं, बोरा मतलब कट्टा, इसको बोलते हैं सैक। कमीज को इंग्लिश में शर्ट बोलते हैं, शर्ट। और फ्रेंड्स, पतलून को इंग्लिश में ट्राउजर बोलते हैं, ट्राउजर। और दरी को इंग्लिश में कारपेट बोलते हैं, कारपेट। और कंघी को इंग्लिश में हम बोलते हैं कॉम, इसमें एम साइलेंट रहता है, इसको बोलेंगे कॉम। अंगीठी को इंग्लिश में बोलते हैं हार्थ, हार्थ। रस्सी को इंग्लिश में हम बोलते हैं रोप, रोप। तेल को इंग्लिश में ऑयल बोला जाता है, ऑयल। झूमर को इंग्लिश में हम चैंडेलियर बोलते हैं, चैंडेलियर। मंदिर को इंग्लिश में टेंपल बोलते हैं, टेंपल। रसोई घर को इंग्लिश में किचन बोलते हैं, किचन। खाट या फिर चारपाई को इंग्लिश में कोट बोलते हैं, कोट। चिलमची को इंग्लिश में हम वॉश बेसिन बोलते हैं, वॉश बेसिन।
ओखली को हम इंग्लिश में मोर्टर बोलते हैं, मोर्टर। कपड़े धोने की मशीन को हम इंग्लिश में वॉशिंग मशीन बोलते हैं, वॉशिंग मशीन। तिजोरी को हम इंग्लिश में वॉल्ट बोलते हैं, वॉल्ट। झाड़ू को हम इंग्लिश में ब्रूम बोलते हैं, ब्रूम। कंबल को इंग्लिश में ब्लैंकेट कहा जाता है, ब्लैंकेट। रजाई या फिर लिहाफ को इंग्लिश में क्विल्ट बोलते हैं, क्विल्ट। पंखा को हम इंग्लिश में फैन बोलते हैं, फैन। और पायदान को इंग्लिश में हम डोरमेट बोलते हैं, डोरमेट। सोफा को हम इंग्लिश में काउच बोलते हैं, काउच। कलम को इंग्लिश में हम पेन बोलते हैं, पेन। किताब को हम इंग्लिश में बुक बोलते हैं, बुक। संदूक को हम इंग्लिश में बॉक्स बोलते हैं, बॉक्स। फूलदान को हम इंग्लिश में फ्लावर वास बोलते हैं, फ्लावर वास। बोतल को हम इंग्लिश में बोटल बोलते हैं, बोटल। चूल्हा को हम इंग्लिश में स्टोव बोलते हैं, स्टोव। तराजू को इंग्लिश में हम बोलेंगे वेटिंग बैलेंस, वेटिंग बैलेंस। नेक्स्ट वर्ड है पोंछा। पोंछा को हम इंग्लिश में मोप बोलते हैं, मोप। नेक्स्ट वर्ड है अब मोमबत्ती। मोमबत्ती को इंग्लिश में कैंडल बोलते हैं, कैंडल। अब नेक्स्ट वर्ड है पर्दा। पर्दे को हम इंग्लिश में कर्टेन बोलते हैं, कर्टेन। मेज को हम इंग्लिश में टेबल बोलते हैं, टेबल। और छती को इंग्लिश में अम्ब्रेला कहा जाता है, अम्ब्रेला। स्त्री को इंग्लिश में आयरन कहते हैं, आयरन। चाबी को हम इंग्लिश में की बोलते हैं, की। ताला को हम इंग्लिश में लॉक बोलते हैं, लॉक। तकिया को हम इंग्लिश में पिलो या फिर कुशन बोलते हैं, पिलो कुशन, पिलो कुशन। और गद्दा को हम इंग्लिश में मैट्रेस बोलते हैं, मैट्रेस। चादर को हम इंग्लिश में बेडशीट बोलते हैं, बेडशीट। वातानुकूलक को हम इंग्लिश में एयर कंडीशनर बोलते हैं, जिसे शॉर्ट में एसी कहते हैं, एयर कंडीशनर। बिस्तर को हम इंग्लिश में बेड बोलते हैं, बेड। ग्लास को हम इंग्लिश में टम्बलर बोलते हैं, टम्बलर। वैसे तो इसे नॉर्मली हम ग्लास ही बोलते हैं इंग्लिश में। चाय की छलनी को हम इंग्लिश में टी स्ट्रेनर बोलते हैं, टी स्ट्रेनर। चिमटा को हम इंग्लिश में टोंग बोलते हैं, टोंग। अब आपको बताना है कि नल और तौलिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।